Hello everyone, a very good morning and welcome to Bank Exam Quest, where we are going to revise current affairs of last week. 5 जुलाई को संडे था और आज संडे है, तो ये संडे से संडे के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको भी यहाँ पे बुला लीजिए, ठीक है? फटाफट जो लोग यहाँ पे नहीं है उन्हें भी सेशन शेयर करिए और यहाँ पे बुला लीजिए. गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग. सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग राजीव. बहुत अच्छे, सारे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छे. मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग. चलिए मैं फटाफट और लोगों को भी बुला लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखो आज हम लोग पूरा एक हफ्ते का रिवाइज करने वाले हैं, तो जो लोग अगर लास्ट की क्लास कुछ मिस भी किए हों तो उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज पूरा रिविजन करेंगे और ये हमें ये भी हेल्प करेगा खुद को इवेल्युएट करने में कि हमें याद रहती है चीजें या फिर हम भूल जाते हैं. तो ये बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है हम लोगों के लिए. स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है. ओके देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे बड़ी खबर है आज की, पहले मैं आपको वो बता दूं क्योंकि मैं इसे भी नहीं मिस कर सकती हूँ. हालांकि हम लोग रिविजन के लिए मिलते हैं लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जो आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि इंडिया का जो टाइगर सेंसस है 2018 का उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है? जो आपका 2018 का सेंसस है इंडिया का टाइगर के मामले में, सेंसस मतलब क्या होता है, गणना होती है. जैसे सबकी गणना होती है वैसे टाइगर की भी गणना होती है. तो टाइगर्स की गणना में जो सेंसस है आपका ना, उसने रिकॉर्ड बना लिया है 2018 का, ठीक है? याद रखिएगा. तो ये आपके इंडिया के बारे में एक बड़ी खबर है जो आपको याद रखनी है. गिव मी वन मिनट. ओके अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है इंडिया टाइगर सेंसस फॉर 2018 हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे. मतलब जो 2018 का कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था. कैमरा ट्रैप का मतलब क्या होता है, जंगल में जगह जगह पे क्या लगा देना, कैमरा लगा देना कि जो वहां के जानवर है उन्हें पता ना चले और उनकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके. तो इसे जो आपका 2018 का सेंसस में जो आपका कैमरा ट्रैप सिस्टम यूज किया गया था उसको बताया गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था. कि इस तरीके से किया गया सर्वे, वो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे था, ठीक है? याद रखिएगा. द फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 काउंटेड 2,967 टाइगर्स विच इज अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन. मतलब टोटल टाइगर का जो उस समय गणना हुआ था कितना हुआ था, 2,967, जो कि दुनिया में जितने टाइगर है उसका 75% है. तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि 2018 का जो कैमरा ट्रैप सर्वे किया गया था भारत में, वो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे के रूप में गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करा लिया है. बोलो न्यूज समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग नीलेश, मुझे इतना बताओ न्यूज समझ में आ गई सबको कि मैं क्या बता रही हूँ, किस चीज के बारे में रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने, ये समझ में आ गया सबको? बोलो. ओके फिर आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अगला यहाँ पे है न्यूज एक कि बोल्सोनारो, बताओ बोल्सोनारो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ब्राजील के. उन्होंने किसी पेस्ट्रो को चुना है एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है?
तो प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने किसे चुना है? तो यहाँ पे आप इनका नाम देखिएगा, मिल्टन रिबेरो को। तो मिल्टन रिबेरो को चुना गया है नया एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने रिप्लेस किसे किया है? कार्लोस अल्बर्टो को। और ये जो कार्लोस अल्बर्टो है, ये क्यों हटे अपने पद से? क्योंकि इन्होंने ये एडमिट किया कि इनकी जो सीवी थी, ठीक है, उसमें इन्होंने गलत बातें लिखी थी। जो देखो, हैविंग लाइड, इसमें इन्होंने कुछ झूठ बोला था। इसको एडमिट करते हुए इन्होंने 1 जुलाई को रिजाइन कर दिया। तो ब्राजील के जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, वो कौन बन गए? मिल्टन रेबेरो बन गए। और आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका एग्जाम में पूछा जाना लगभग ऑलमोस्ट आप ना ही समझो कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपका थैंक गॉड इट इज वर्किंग नाउ, ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्रा टर्न्स टू फेसबुक आईआईटी तिरुपति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना। एक तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो टाइगर सर्वे, लार्जेस्ट टाइगर सर्वे के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाया। दूसरा देखो, आंध्र प्रदेश ने, फेसबुक ने और आईआईटी तिरुपति ने, तीन लोगों ने मिलकर एक टाई अप किया है। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने आईआईटी आईआईटी तिरुपति ने, ठीक है, और किसने? तो यहाँ पे नाम आता है आपका फेसबुक ने। इन तीनों ने मिलके क्या किया है? एक टाई अप किया है। टाई अप क्या है? कि फेसबुक जो है वो मॉनिटर करेगा आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन को, कि वो कहाँ कहाँ पे जा रही है, हॉटस्पॉट एरिया में जा रही है, रेड जोन में जा रही है, मतलब कितना इंगेजमेंट है सोशल लोगों का, फेसबुक ये मॉनिटर करेगा। और फेसबुक ये मॉनिटर करके अपना डेटा किसे देगा? आईआईटी तिरुपति के छात्रों को देगा, जो भी वहां की रिसर्च टीम है उन्हें देगा। फिर आईआईटी तिरुपति उस डेटा को पूरा स्टडी करके फिर उसे जो इजी फॉर्मेट होता है उस इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आंध्र प्रदेश सरकार को दे देगा, ठीक है। समझिएगा, मैपिंग होगी, एनालिसिस होगा, और इससे क्या होगा? हेल्प मिलेगा कोविड-19 को रिकवर करने में। एक बार मैं यहाँ पे कुछ पैरा पढ़ रही हूँ ताकि आपको न्यूज समझ में आ जाए, क्योंकि न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ स्पाइक इन कोविड-19 पॉजिटिव केसेस एंड कैजुअलिटीज, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रोप्ड इन सोशल मीडिया जायंट फेसबुक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। द मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ पीपल मूविंग इन पब्लिक प्लेसेस हैज बीन अ बिग हेल्प फॉर द गवर्नमेंट मशीनरी इन इट्स कंटेनमेंट एफर्ट। मतलब कि मैपिंग करेगा फेसबुक और ये देखेगा कि लोगों का इंगेजमेंट कौन से एरिया में ज्यादा है, लोग सोशल इंगेजमेंट कितना कर रहे हैं। तो इससे एपी की जो गवर्नमेंट है, जगन मोहन रेड्डी जी की जो सरकार है, उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, फेसबुक, आईआईटी तिरुपति, ये तीन लोग एक टाई अप में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला है आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रिवीजन स्टार्ट होता है, तो अभी आपने एकदम कमर कस लो आंसर करने के लिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया टिल द एंड ऑफ सितंबर 2022। सितंबर 2022 के अंत तक हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। सौरभ इज सेइंग बी ऑप्शन, पूनम इज सेइंग बी ऑप्शन, फटाफट आंसर करिए, फटाफट, बिल्कुल लेट नहीं करना है। प्रतीक का भी बी है, नीलेश का भी बी है, बानी का भी बी है, ओके। इसमें तो आप लोग आंसर कर सकते हो क्योंकि आपका पिछले हफ्ते का न्यूज है और आप पढ़े हो इसे। एवरीबडी सिंह बी ऑप्शन, ए को रिप्लेस किया है पूनम, बता रही, बहुत अच्छे पूनम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सौरभ, वेरी गुड, यही तो चाहिए मुझे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद अभी तक हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनकी जगह पे कौन आ गए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, जो कि मणिपुर के हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद मुश्ताक अहमद को रिप्लेस करके ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम जो है वो बन गए हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष 2022 सितंबर तक, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये है ज्ञानेंद्रो और ये कौन है? मुश्ताक अहमद, जिन्हें रिप्लेस किया है किसने? ज्ञानेंद्रो ने। तो याद आपको बस इतना रखना है, हॉकी इंडिया का जो नया आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम है। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? मोहम्मद अहमद ने रिप्लेस किया, वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था इस पोस्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हु विल हेड द कमिटी एडवाइजिंग ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा? आंसर करिए सारे लोग। सबसे पहले आयुषी का आंसर आया बी ऑप्शन, सौरभ का कहना है सी होगा, प्रतीक का सी है, पूनम का सी है, बट नीलेश का कहना है बी होगा, प्रतीक का कहना है सी होगा। ओके ओके, नीलेश आप पिछले कुछ दिनों बेटा क्लास मिस किए हो,
ये उसी का परिणाम है। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा। ओके एग्जैक्टली बेटा, निलेश बी नहीं होगा, उर्जित पटेल नहीं होगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, उषा थोराट। उषा थोराट विल बी द करेक्ट आंसर। उषा थोराट को म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट और उसमें क्या क्या रेगुलेशंस में चेंजेस ला सकते हैं, इससे रिलेटेड एक कमिटी बनाएगी जो इस पे स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देगी। अब इस समिति को मॉनिटर कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो नाम आता है उषा थोराट। एग्जैक्टली सौरभ, जो कि रह चुकी हैं आपकी आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, ये हैं उषा थोराट जी, जिनकी समिति पे बना था स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो कमिटी है, ये बना कौन रहा है, किसने इस कमिटी को फॉर्म किया है, तो सेबी ने किया है। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने ये कमिटी बनाया है। और इसका जो रेगुलेशन है और ये पूरा सब कुछ देखेगा कौन, ओशा थोरा। तो इस कमिटी में टोटल 20 लोग हैं। देखो सेबी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट देखिए, नादौन पुलिस स्टेशन इज रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया, इट इज इन विच स्टेट। नादौन पुलिस स्टेशन को भारत के बहुत सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में से एक माना गया है, ये पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है। सबसे पहले आंसर आता है सौरभ का डी ऑप्शन। ओके 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 एचपी मतलब कि हिमाचल प्रदेश। ओके ओके गॉट योर पॉइंट। उसके बाद प्रतीक का आता है डी ऑप्शन, पूनम का आता है डी ऑप्शन, बानी का डी है, प्रतीक हिमांचल, राजीव डी, प्रज्ञा डी, आयुषी डी, नीलेश, वेरी गुड बेटा डी, सबका आंसर डी है। और करेक्ट आंसर भी यहाँ पे डी है, हिमाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नादौन पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, उसे भारत के सर्वश्रेष्ठ वो आपका जो पुलिस स्टेशन है उनमें चुना गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और अब बहुत दिन से आपका स्टेट का रिवीजन नहीं हुआ है, जो मैं फिर से स्टार्ट करूं क्योंकि आप भूलते जा रहे हो। मुझे फटाफट हिमाचल प्रदेश की डिटेलिंग लिख के बता दो। देखो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, जो येलो कलर में मैंने एरिया कलर कर दिया, ये क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कितनी है, फटाफट लिखिए, मुझे लिख के बताइए भाई, हिमाचल प्रदेश की कितनी कैपिटल है ये आपको बताना है। ओके इट इज नॉट वर्किंग अगेन, डोंट नो व्हाई। चलो तो इसकी जो कैपिटल है वो दो है, एक आपकी क्या है शिमला और एक क्या है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला, ये दो कैपिटल है इसकी। यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, बंदारू दत्ताचार्य यहाँ के गवर्नर है, बंदारू दत्ताचार्य यहाँ के क्या है, गवर्नर है। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल पिन वैली, एग्जैक्टली पिन वैली, और खीर गंगा, इंदर किला, पिन वैली, और बताइए ग्रेट हिमालयन। एग्जैक्टली ग्रेट हिमालयन भी आपका यहीं पे है, ग्रेट हिमालयन भी यहीं पे है। क्या स्टोरी थी कि इंदर नाम का एक लड़का जिसका ब्रेकअप हो गया, तो उसने पिन से सिम को निकाल के गंगा में फेंक दिया, है ना। इंदर नाम का एक लड़का जब उसका ब्रेकअप हुआ, वो हिमालय गया और पिन से सिम निकालकर गंगा में फेंक दिया, इससे आपको पूरा याद रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज है कि उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, उसके अंतर्गत हर एक घर में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पूरी तरीके से पहला राज्य कौन सा बन गया, आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड मतलब EESL has inked an agreement with the Noida to install public electronic vehicle charging station. Who is chairman of EESL? सबसे पहले सौरभ का आंसर आता है सी। ओके बानी, प्रतीक का आंसर आता है सी। ओके बानी का आंसर सी है, आयुषी का आंसर सी है, निलेश का सी है, प्रज्ञा का भी सी है, डॉली का भी सी है। ओके और लोग आंसर करें, राजीव का भी सी है, बहुत अच्छे, पूनम का भी सी है, प्रतीक नेटवर्क इश्यू होता है कभी कभी, पहले नहीं आता है, कोई इश्यू नहीं, गुड मॉर्निंग बबलू। अमर कश्यप का भी सी है, बहुत सही अमर, वेरी गुड। चलो
आंसर यहाँ पे आपका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, राजीव शर्मा। सबने करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है। देखिएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने एक और चीज की थी। इसने बोला था कि रूम एसी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। क्या कोई मुझे बता सकता है कितना इसने सेट किया था? EESL ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो रूम एसी है उसका टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड है वो इतना डिग्री रहेगा। मुझे कौन बताएगा कि इन्होंने कितना डिग्री रखने को बोला था एनर्जी बचाने के लिए? बताइए, मुझे कौन बताएगा? अभी रिसेंट हम लोगों ने पढ़ा है, EESL ने रूम एसी का टेम्परेचर बोला था कि इतने से इतना आप रखोगे। वेरी गुड नीलेश, वेरी गुड सौरभ। 22 डिग्री, 22 डिग्री था शायद, लगा दिया। नहीं, 16 नहीं था प्रतीक, 16 नहीं था, 16 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी EESL ने नोएडा को बोला, नोएडा का फुल फॉर्म भी है, पता है कुछ नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा में कहा कि आप जगह जगह पे जैसे पेट्रोल पंप होता है फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए, वैसे चार्जिंग वाली गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर होना चाहिए जगह जगह पे, ताकि पब्लिक इस यहाँ पे आके अपनी गाड़ियां चार्ज कर सके। ऐसा इंस्ट्रक्शन EESL ने दिया है। तो EESL के चेयरमैन है राजीव शर्मा, चेयरमैन पूछा था। अगर यहाँ पे MD पूछा जाता तो सौरभ कुमार आपका आंसर होता। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और नोएडा के चेयरमैन है आलोक टंडन, और नोएडा उत्तर प्रदेश इसका हेडक्वार्टर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच इंडियन स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र की स्थापना की है? और इसका जो इनॉग्रेशन उन्होंने वर्चुअली किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। सबसे पहले इस बार सौरभ का आंसर आया सी ऑप्शन, फिर प्रतीक, फिर अमर, फिर पूनम, नीलेश, प्रज्ञा, डॉली, वानी, विधान, ओके, आयुषी, राजीव, पूनम, अमर कश्यप, एवरीबडी सेइंग दैट रीवा, एंड रीवा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि रीवा कहाँ पर है? एमपी में है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ये रीवा को तो पावर, मध्य प्रदेश को तो पूरे पावर सप्लाई करेगा ही, साथ ही साथ और कौन सा राज्य है जहाँ के मेट्रो को, मेट्रो स्टेशन को ये पावर सप्लाई करने वाला है? बताओ भाई, ऐसे ही तो न्यूज निकलेगी? आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम जो पढ़ के आए हो मैं तुमसे वही पूछूंगा? बताओ, ये जो है आपका, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश को तो बिजली सप्लाई होगी यहाँ से, लेकिन कौन सा राज्य है जिसके मेट्रो स्टेशन को भी पावर जाएगा? एग्जैक्टली प्रतीक, आयुषी, हर्षा, बानी, डॉली, राजीव, सबने करेक्ट आंसर दिया। अमर, दिल्ली, दिल्ली मेट्रो को भी ये पावर सप्लाई करेगा। तो याद रखिएगा, सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत 750 मेगावाट, ये भी याद रखना है, 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो पावर सप्लाई करेगा टू मध्य प्रदेश एज वेल एज दिल्ली मेट्रो। एमपी को और दिल्ली मेट्रो को ये पावर सप्लाई करेगा। ओके, बहुत अच्छे। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट एमपी। तो एमपी सबसे पहले कहाँ पर है ये देखेंगे। तो लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। इसके साथ कुछ बड़ा इश्यू हो गया आई गेस। चलो, एमपी ये है, देखिएगा, जिसे मैं येलो कलर में कलर कर रही हूँ, ये क्या है? एमपी है। आज हम लोग पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब जो आपका येलो कलर में कलर हो रहा है, ये राज्य तो एमपी है। चलो, ये तो हमें पता चल गया। अब एमपी की डिटेलिंग जल्दी से मुझे लिख के बता दीजिए, क्योंकि आप लोग भूलते जा रहे हो। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक राज्य और पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज पढ़ी थी? एक तो ये कि यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, नादौन पुलिस स्टेशन, एशिया के, भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन में से एक है। पहली न्यूज तो आपकी ये थी। और एक न्यूज आपकी क्या थी कि एलपीजी कनेक्शन हर घर में देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये भी आपकी एक न्यूज थी जो आपको याद रखनी थी। अच्छा, एमपी की बात करें तो एमपी की डिटेलिंग मैं बोल देती हूँ, बिकॉज इट इज मिसबिहेविंग अ लॉट। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। एमपी के गवर्नर लालजी टंडन इस समय पद पे नहीं है, उनकी जगह पे एडिशनल चार्ज संभाल रही है आनंदी बेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर है। एमपी के नेशनल पार्क कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पेच नेशनल पार्क है, मंडल विहार नेशनल पार्क है। तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सारे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है।
ठीक है, एवरी वन विल गेट जॉब, ये आपका जो स्कीम है ये किसने शुरू किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एवरी वन विल गेट जॉब ये किसने शुरू किया था, एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ठीक है। और हाँ एग्जैक्टली इंतजार आपका नाम से एक टूरिज्म कैंपेन भी इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हो, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च ब्लूएस्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड, जो सरकारी भूमि है उसकी निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल का उपयोग करने वाले, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले कौन सा राज्य है जिसने ब्लूइश नाम से इसे लॉन्च किया है। सबसे पहले इस बार आज सौरभ छाए हुए हैं, ये बात तो है भाई। सौरभ का सबसे पहले आंसर आया सेकंड प्रतीक उड़ीसा, सौरभ उड़ीसा, प्रज्ञा सेकंड, डॉली सेकंड, पूनम सेकंड, बानी ओके, और आयुषी सेकंड, मनदीप शेखोन सेकंड, बानी सेकंड, प्रतीक का भी उड़ीसा है, अमर का उड़ीसा है, नीलेश का उड़ीसा है, और वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एग्जैक्टली बात से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, बात से ब्लूइश, सिंपल है क्योंकि ब्लूइश में जो बी है इसका मतलब है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर से क्या होगा आपका उड़ीसा ही होगा क्योंकि उड़ीसा में भुवनेश्वर है, उड़ीसा की कैपिटल है। तो याद रखिएगा ब्लूइश का फुल फॉर्म क्या है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये इसका क्या है फुल फॉर्म है। अब क्या होगा कि सेटेलाइट के माध्यम से, सेटेलाइट के माध्यम से सरकार निगरानी रखेगी सरकारी भूमि पे कि वहां पे कोई अनऑथोराइज एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, और इससे ये भी पता चलेगा कि राज्य का कितना हिस्सा जो है वो सरकारी भूमि है, जैसे ये बताएगी कि कितना एरिया किस काम में आ रहा है, कितना सरकारी भूमि है, कितना फॉरेस्ट है, कितना इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारी चीज मॉनिटर हो जाएगी किसी सैटेलाइट के थ्रू हो जाएगी। और सैटेलाइट के थ्रू ऐसा करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है आपका, उड़ीसा बन गया है, याद रखिएगा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या है, सीएम है, ठीक है भाई। बीजू पटनायक की बुक है, बीजू पटनायक के ऊपर एक बुक आई है एडवेंचर टू डेयर डेविल टू डेमोक्रेसी, जो कि कार्टून के रूप में छपी हुई है। एग्जैक्टली गणेशी लाल वहां के क्या है, गवर्नर है, गणेशी लाल क्या है वहां के, गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। तो उड़ीसा कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा से पहले हम लोगों ने अभी कौन सा राज्य पढ़ा था, मध्य प्रदेश, ये आपका एमपी है, और एमपी से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन नंबर वन है। एमपी के बारे में क्या पढ़ा था, अभी बताओ जल्दी से बताओ, एमपी ने क्या किया, एमपी ने क्या किया, अरे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एमपी के बारे में अभी क्या न्यूज पढ़े थे, एमपी की रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो रहा है, और उड़ीसा ब्लूइस को लॉन्च किया है, उड़ीसा नवीन पटनायक, भुवनेश्वर गणेशी लाल, ये तीन लोगों का नाम याद हो गया। केवल दो नेशनल पार्क है, एक है सिमलीपाल और एक है आपका भीतरकनिका। उड़ीसा भीतर से सिंपल है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, मतलब उड़ीसा में भीतर भीतरकनिका और सिंपल है तो सिमलीपाल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और उड़ीसा में बलराम नाम की एक योजना स्टार्ट हुई है, जो अपनी तरीके की पहली योजना है जो किसी राज्य में स्टार्ट हो रही है। बलराम के अंडर में उन किसानों को बेनिफिट दिया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं है किसानी करने के लिए, और इस योजना के लिए सरकार ने 1,040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, याद रहेगा। अगला चलते हैं, विद स्टेट हैज लॉन्च प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, कौन से राज्य ने जो डेयरी का प्रोडक्ट है, दूध है, मक्खन है, घी है, इनकी शुद्धता के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, मतलब निश्चित तौर पर ये क्या है चीज प्योर है, बताइए किसने स्टार्ट किया है। प्रतीक का सबसे पहले आंसर आया है थर्ड ऑप्शन, पूनम का थर्ड ऑप्शन, डॉली का थर्ड ऑप्शन, नीलेश का सी है, पानी का सी है, प्रज्ञा का सी है, आयुषी का थर्ड है, नीलेश राजस्थान, राजीव सी, और बानी ओके, विधान का थर्ड है, अमर का राजस्थान है, एवरीबडी सिंह राजस्थान। एग्जैक्टली भाई राजस्थान के जो मंत्री हैं आपके, ठीक है, वो कौन है आपके, रघु वर्मा, ठीक है, हम सीएम की बात नहीं कर रहे हैं, सीएम यहाँ के कौन है, अशोक गहलोत है। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया बीजेपी में, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। खैर यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान होगा। यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर रघु शर्मा, इन्होंने ये एक हफ्ते का पूरा एक लॉन्च किया है जो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा, प्योर फॉर श्योर
डेरी प्रोडक्ट के लिए ये इन्होंने किया है। ठीक है, अब राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा बोले तो सबसे एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है ना, वैसे भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है आपका? तो आपको याद रखना है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान की डिटेलिंग अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले राजस्थान ये है, देखो सबसे बड़ा राज्य दिख भी रहा है आपको, सारे राज्य से कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान है। हो सकता है मैप में आप धोखा भी खा जाओ, जैसे ऑस्ट्रेलिया देखने में इंडिया से छोटा लगेगा लेकिन है वो इंडिया से बड़ा, तो मैप के हिसाब से मत कभी अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, ये आपका राजस्थान है। उसके बाद पूरा हम लोग रिवाइज भी तो करते चलेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और फिर आता है आपका यहाँ पे, ये आपका राजस्थान लगता है मध्य प्रदेश से, ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये उड़ीसा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उड़ीसा को भी कर लेते हैं कवर, ये क्या है? उड़ीसा है। अब चलो रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान का नाम आया है, तो राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान के वो आपके गवर्नर कौन है? एक सेकेंड भाई, इसको क्या हो गया, चलो छोड़े इसे। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। गवर्नर वहां के कालराज मिश्रा है। अब राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मतलब आरोप लगाया बीजेपी पे, और इनफैक्ट एफआईआर भी दर्ज हुई है, पुलिस एफआईआर की, उन्होंने वहां के जो विधायक है उन्हें 25 करोड़ में खरीदने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इन्होंने आरोप लगाया। खैर ये राजस्थान है, याद रखिएगा। राजस्थान के नेशनल पार्क बताइए, राजस्थान के नेशनल पार्क बताइए, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट माउंटेन आबू, रणथंबोर और दर्रा। वेरी गुड। सरिता नाम की एक लड़की केला खा रही थी, याद है? सरिता नाम की एक लड़की केला खा रही थी, सरिस्का केवलादेव, केला खा रही थी केवलादेव। फिर उसने क्या देखा? डेजर्ट लॉयन देखा। ठीक है, तो माउंट आबू में डेजर्ट लॉयन देखा और फिर वो डर के मारे रन करने लगी, तो डर से डर्रा, रन से रणथंबोर। ये आपका ट्रिक था राजस्थान के नेशनल पार्क को याद करने का। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? हिमाचल प्रदेश का नादौन पहला पुलिस स्टेशन नंबर वन पे आया है। एमपी में क्या हुआ है जल्दी बताओ? एमपी के रीवा में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा एशिया का। उड़ीसा में क्या हुआ है? उड़ीसा में ब्लूइस लॉन्च किया गया है सरकारी जमीन की निगरानी करने के लिए। ठीक है, और राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और जयपुर आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये दूसरा आपका शहर है इंडिया का जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। पहला कौन सा है? तो पहला आपका अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्टेट विच स्टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर आरबीआई डेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उधार लिया है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार? भारत का कौन सा राज्य जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेब्ट है बताइए? सबसे पहले सौरभ का आंसर आया, सेकंड पूनम का, सेकंड प्रतीक का, सेकंड बानी का, अहमदाबाद। आई थिंक बानी आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। प्रतीक का सेकंड, डॉली सेकंड, अमर, प्रज्ञा, राजीव, नीलेश, सबका लाइन से कहना है बी ऑप्शन है। और लोग आंसर करिए यहाँ पे फटाफट। आयुषी का सेकंड है, ओके। और लोग आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए। ओके, एवरीबडी सेइंग सेकंड, एग्जैक्टली। जब हम बात करें तो आंध्र प्रदेश बहुत सारे प्रोजेक्ट लाता है, तो हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा कर्जा आंध्र प्रदेश पे होगा। ऐसा है, आंध्र प्रदेश पे कम कर्जा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेब्ट है, सबसे ज्यादा जो उधार है वो किसके ऊपर है? तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा डेट आपका तमिलनाडु के ऊपर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उधार है। ठीक है, जाहिर सी बात है उनके उधार रहे होंगे किस लिए? उनके राज्य में कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा कि कितने का इनके ऊपर उधार है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, तो इनके ऊपर 30,500 करोड़ रुपए का उधार है। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर कितने का उधार है? 30,500 करोड़ रुपए का उधार तमिलनाडु के ऊपर है। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु आखिर भारत के मैप में है कहाँ पे, तो बाकी सब भी आप रिवाइज कर लो जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। फिर तमिलनाडु देखो आपका यहाँ पर है, ये जो आपका एरिया है, ये जो मैं रेड कलर में कलर कर रही हूँ, ये क्या है आपका? तमिलनाडु है। ठीक है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के आसपास का एरिया अगर मैं बताऊं तो ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश है, इधर की तरफ कर्नाटक है, और यहाँ पे क्या है? केरला है। इधर की तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। अब देखो हमने बात की थी तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। क्या है कैपिटल? चेन्नई है। जल्दी से बताओ, बनवारी ला। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड।
ई पालन स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ई पालन स्वामी रट लो, ई पालन स्वामी तमिलनाडु के सीएम है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है, गवर्नर है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या हुआ है, तमिलनाडु के ऊपर सबसे ज्यादा उधार है, पूरे देश में सबसे ज्यादा उधार तमिलनाडु के ऊपर है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। अब देखो रिवाइज करते हैं, राजस्थान में क्या हुआ है बताओ, राजस्थान में क्या हुआ है, अभी हमने न्यूज पढ़ी आज, राजस्थान में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है भाई, अभी हम लोगों ने न्यूज पढ़ी राजस्थान के बारे में, फटाफट बताइए, राजस्थान के बारे में पढ़ा हमने न्यूज, एग्जैक्टली रघु शर्मा वहां के जो, वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छे, रघु शर्मा ने प्योर फॉर श्योर एक हफ्ते का पूरा डेयरी मिल्क के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है बेटा, वहां का नादौन पुलिस स्टेशन इंडिया का नंबर वन पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के रीवा नाम की जगह पे एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र सोलर पैनल लगा है, जो कि एमपी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो को भी पावर सप्लाई करेगा। उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा में ब्लूइश लॉन्च हुआ है ताकि उड़ीसा के सरकारी जमीन की निगरानी की जा सके। वेरी गुड, अभी तक हम लोग इन राज्यों के बारे में पढ़े हैं, आगे अभी हम लोग और जैसे जैसे होता जाएगा रिवाइज यहाँ पे करते जाएंगे। एग्जैक्टली वेरी गुड प्रज्ञा, 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहां पर लगा है। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तमतमाए काले गुंडों ने गल्फ से इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ दी, तमतमाए काले गुंडों ने गल्फ से इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ दी, इल्जाम मोदी पे आ गया। तमतमाए से तमिलनाडु, काले से कलाकड़ नेशनल पार्क, काले से कलाकड़ नेशनल पार्क, तमतमाए काले गुंडों ने, अब गुंडों से गुंडई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, ठीक है, गल्फ से तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ से क्या किया, इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मूर्ति तोड़ दी तो क्या होगा, मुकुर्ति नेशनल पार्क, मुकुर्ति नेशनल पार्क, और इल्जाम किस पे आया, मोदी पे, तो क्या होगा, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, कलाकड़, गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुकुर्ति और मुदुमलाई, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग एशिया पैसिफिक कंट्री एज पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट। देखो एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी एक रिपोर्ट, शिट 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 शिट, कोई बात नहीं, आपको आंसर पता चल गया, फिर भी यहाँ पे प्रतीक, सौरभ, पूनम और साक्षी, प्रज्ञा, अमर, मनदीप, इन सबने आंसर दे दिया था, पानी, नीलेश, इन सबने आंसर दे दिया था, 8th पोजिशन यहाँ पे है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से भारत कैंसर के मामले में कितना तैयार है, इससे उलझने के लिए, इसे टैकल करने के लिए, इसमें वो 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से नंबर 1 पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रिपेयर ऑस्ट्रेलिया रहता है, 2nd पे साउथ कोरिया है, 3rd पे मलेशिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है, रनीम एल वेली हु रिटायर्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट, बताइए, रनीम एल वेली, और आपको इनकी कंट्री भी बतानी है, क्योंकि हमने ये आपको याद कराया था कायदे से और बोला था कि एग्जाम में पूछा जाएगा। रनीम एल वेलिली का स्पोर्ट के साथ साथ आपको कंट्री भी बतानी है। सौरभ सिंह डी ऑप्शन, प्रतीक का भी डी है, स्क्वैश, ओके, पूनम, प्रज्ञा, अमर, प्रतीक, नीलेश, वाणी, मनदीप, ओके, पूनम, साक्षी, आयुषी, एवरीबडी सिंग स्क्वैश 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 एंड वाणी, वेरी गुड बच्चे। सबसे पहले बानी ने बताया दैट शी इज फ्रॉम इजिप्ट, फिर सौरभ और मनदीप ने भी बताया, ओके बिल्कुल, वो मिस्र से है, स्क्वैश की प्लेयर है, रनीम एल वेलिली इनका नाम है, 31 साल की ये है, और 18 साल अपना करियर स्पोर्ट में बनाने के बाद ये जो इजिप्ट की, मिस्र की प्लेयर है स्क्वैश की, इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है। याद रखिएगा, ये विमेन स्क्वैश रैंकिंग में नंबर 1 पे आती थी, लेकिन अब ये हट गई, तो अब इनकी जगह पे कौन आ गया, नोरन गौहर आ गई, तो नोरन गौहर अब नंबर 1 है आपकी लिस्ट में, विमेन स्क्वैश प्लेयर्स की लिस्ट में, और रनीम एल वेलिली जो कि इजिप्ट की बहुत फेमस स्क्वैश प्लेयर है, इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन्ड्रे डिमेनो हु वाज सस्पेंडेड फॉर डोपिंग इन जुलाई 2020 इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट, और आप मुझे कंट्री भी बताओगे। ये एक प्लेयर है जिनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा, ये कौन से खेल से संबंधित है, पहली बात, दूसरी बात, ये कौन से कंट्री के हैं, ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। बताओ सौरभ, प्रतीक, पूनम, बानी, मनदीप, प्रज्ञा, ओके, सब कह रहे हैं वेट लिफ्टिंग, नीलेश,
वेरी गुड सौरभ, रशिया से है सौरभ ने बताया, प्रतीक ने भी बताया रशिया से है, मनदीप ने भी बताया रशिया से है, अक्षय ने भी बताया फोर्थ ऑप्शन रशिया से है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, रशिया के वेट लिफ्टर है, रशिया के वेट लिफ्टर है ये, और 2 बार यूरोपियन चैंपियन भी रह चुके हैं, और ऑंड्रेई देमेनोव इनका नाम है, लेकिन इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था डोपिंग के मामले में। ठीक है, अब डोपिंग में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है, और आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। एमेडोगन कोलिबेली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में निधन हुआ एमेडोगन कोलिबेली का, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे बताओ, कौन से देश के प्रधानमंत्री थे एमेडोगन कोलिबेली जिनका निधन हो गया। ओके, सबका आंसर लाइन से ए है, ओके। हॉस्पिटल में एडमिट थे, फ्रांस से इलाज करा के लौटे थे, फिर भी इनका निधन हो गया। आइवरी कोस्ट यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर एमए दो आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, जिनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इनका चेहरा याद कर लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए, एमए दो इनका नाम था, एमए दो आइवरी कोस्ट, एमए दो आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे। आइवरी कोस्ट आपका अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ पे आप जो कंट्री देख रहे हो अपने आगे वो क्या है, रेड कलर में जो कलर है वो क्या है आपका, वो है आपका आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट के अगल बगल कौन है अगर हम बताएं तो, ये तो बहुत फेमस है घाना देश, ये क्या है, ये घाना है, घाना हम लोग कई बार पढ़ चुके। घाना के कौन है पीएम, अकुफो नाना इनका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर घाना के जस्ट ऊपर याद रखिए बुर्किना फासो है। ठीक है बेटा, ये क्या है, बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो के जस्ट बाद ये कौन सा देश है, माली है, ये कौन सा देश है, माली है। माली के जस्ट बाद आता है ये जो देश है ये गुएनिया है, और फिर ये जो देश आपको दिख रहा है ये लाइबेरिया है। ठीक है, लिबेरिया भी कहते हैं, तो लिबेरिया, लिबेरिया के बाद गुएनिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर घाना, और बीचों बीच में क्या है, आइवरी कोस्ट, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ है। ठीक है, चलिए ओके ओके ओके। यमुशुकारो यहाँ की कैपिटल है, वेरी गुड वेरी गुड पानी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हु मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई हॉपिंग 101 टाइम, 101 बार कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया। इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे का। अब यहाँ पे कोई गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है 101 बार कूद के, बताइए। 110 बार इन्होंने हॉप किया था 30 सेकेंड में, जिसमें से 9 बार वाला माना नहीं गया, वो परफेक्ट नहीं था, और 101 बार वाला माना गया, और 101 बार 30 सेकेंड में इन्होंने 101 बार छलांग लगाई है। दैट इज रियली वेरी 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 हार्ड, कैन यू इमेजिन इन 30 सेकेंड 101 टाइम हॉप, नेवर। तो यहाँ पे कौन किया इतना बढ़िया काम, तो सोहेब मुखर्जी का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, सोहेब मुखर्जी का नाम आता है। बाकी लोगों के बारे में मैं बताऊँ तो फ्रेया ठकराल, फ्रेया ठकराल जो है इन्होंने एक ऐप बनाया है रैग पिकर्स के लिए, जो कबाड़ बिनने वाले हैं, इस ऐप के जरिए वो डोर टू डोर जाके कबाड़ कलेक्ट कर सकेंगे, जिससे उनकी हेल्थ पे खराब असर नहीं पड़ेगा जो कबाड़ बिनने के लिए गंदी जगहों पे जाते हैं। बलविंदर सिंह आपकी यूके कोस्टा अवार्ड जीती, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड। ये एक प्रोफेशन से एक टीचर है, लेकिन इन्होंने एक किताब लिखी है, इनकी किताब का नाम फटाफट मुझे बता दो कमेंट में, इतना मैंने बता दिया। क्या नाम है इनकी किताब का, इंडिया में अपनी नानी अपनी दादी के साथ हिमालय की वादियों में जिन्होंने समय बिताया उसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड। रिसेंट न्यूज है भाई, पेपर में आएगा, काहे भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, बलविंदर सिंह याद रखिएगा। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज सेट्टी, इन दोनों को कार्नेगी कॉर्पोरेशन है न्यूयॉर्क में, उनके द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि सिद्धार्थ मुखर्जी ने कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखी जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिली, अवेयर किया, ये पुलित्जर प्राइज विनर है। और राज सेट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, और इन्होंने स्टडी किया कोविड-19 का अलग अलग क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस काम के लिए इन दोनों को क्या मिला है, ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड मिला है। किसने दिया है, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ने दिया है। कार्नेगी कॉर्पोरेशन कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये है सोहेब मुखर्जी जिनकी पिक्चर आप देख रहे हो, 101 बार 30 सेकंड में हॉप करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इन्होंने वीडियो बना के भेजा और वीडियो में अच्छे से इवैल्यूएट किया गया, 9 बार वाला नहीं माना गया, बाकी 101 बार वाला मान लिया गया। हु इज ऑथर ऑफ द बुक टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। टू मच एंड नेवर इनफ, मेरे परिवार ने कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी का क्रिएट किया, ये पुस्तक का लेखक कौन है बताइए।
ये पुस्तक का राइटर कौन है? मेलेनिया ट्रंप है, एरिक ट्रंप है, बैरन ट्रंप है, इवांका ट्रंप है या मैरी ट्रंप है? सबसे पहले सौरभ का आंसर आया ई ऑप्शन, मैरी ट्रंप। एवरीबडी सिंग ई। सौरभ, बानी, पूनम, नीलेश, प्रज्ञा, प्रतीक। ओके एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनके भाई की बेटी है मैरी एल ट्रंप, जो कि पीएचडी होल्डर है। इन्होंने अपने अंकल के बिल्कुल भी अनफ्लैटरिंग, मतलब कि बिल्कुल भी इसमें चाटुकारिता नहीं की गई है, किताब लिखी है कि मेरे परिवार ने कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी क्रिएट किया। नाम से ही आपको पता है कि उनके फेवर में तो नहीं लिखा है। तो आंसर यहाँ पे होगा लास्ट ऑप्शन आपका, मैरी ट्रंप होगा। 14 जुलाई को, वेरी गुड बानी, 14 जुलाई को रिलीज होगी साइमन सुस्टर के द्वारा। मतलब पब्लिशर कौन है? साइमन सुस्टर इसके पब्लिशर है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैरी एल ट्रंप के द्वारा लिखी गई है, 14 जुलाई को रिलीज हो जाएगी। मतलब कि आज 12 है, 2 दिन बाद रिलीज हो जाएगी। साइमन एंड सुस्टर इसके पब्लिशर है। इंडिया वॉज रैंक एट विच पोजिशन ऑन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? मतलब भारत में जो रियल एस्टेट का काम होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सोसाइटी कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है इंडिया में, इस पे उसे कौन से स्थान पे रखा गया, बताइए। सौरभ का आंसर आया ए ऑप्शन, वाणी का ए है, पूनम का ए है, प्रतीक का ए है, नीलेश, प्रज्ञा, कार्तिक, मालवीय, कार्तिका, कृतिका मालवीय, आई एम सो सॉरी, कृतिका, कृतिका मालवीय का ए है, नीलेश का। ओके एवरीबडी सिंग 34 एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, 34 विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को 34वें नंबर पे रखा गया है। ये इंडेक्स जारी किया है किसने? तो ये इंडेक्स जारी किया गया है जोन्स लैंग ला सिले के द्वारा। तो जोन्स लैंग ला सिले का जो हेडक्वार्टर, दैट इज इन शिकागो, शिकागो इज इन यूएसए। प्रेसिडेंट और सीईओ है क्रिस्टियन ओलब्रेक्ट, और सीईओ और अपने भारत के जो कंट्री हेड है वो रमेश नायर है। तो यहाँ पे कंट्री हेड पूछा जा सकता है, रमेश नायर नाम याद रखिएगा। ठीक है, टॉप किया है यूके ने, सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है। टॉप थ्री याद रखना है, यूयूए, यूयूए मतलब यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है आपका 34 नंबर पे। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइन एमओयू विद कोस्ट गार्ड ऑफ विच कंट्री टू बूस्ट मैरिटाइम रिलेशनशिप? भारतीय तटरक्षक ने कौन से देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है, बताइए। सौरभ का आंसर आता है सी ऑप्शन, आयरलैंड। वाणी का आंसर, अभी जाके थोड़ा डिफरेंट हुआ सबका आंसर, वाणी का आंसर है इंडोनेशिया, पूनम का आंसर है इंडोनेशिया, नीलेश का इंडोनेशिया, प्रज्ञा, साक्षी, अमर, सौरभ का आंसर बदल गया। Everybody saying D now and D is correct answer. Indonesia will be the correct answer. ठीक है, आयरलैंड के साथ नहीं सौरभ, इंडोनेशिया, कोई बात है, इंडोनेशिया के साथ इन्होंने किया है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। इन ग्रीन कलर यू कैन सी इंडोनेशिया हियर, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, और इंडोनेशिया के बारे में मैं देखूँ तो दूर दूर तक फैला हुआ आइलैंड है। यहाँ पे ये मलेशिया को टच कर रहा है, यहाँ पे ये न्यू पापुआ गुएना को टच करता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, इंडोनेशियन रुपिया यहाँ की कैपिटल, यहाँ की करेंसी है, और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट झारखंड वॉज नेम्ड आफ्टर हू? झारखंड में जो एक बिल्डिंग है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई बिल्डिंग बनी है, प्रशासनिक भवन बना है, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है, बताइए। एग्जैक्टली, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल टूडे। वाणी का बी है, प्रतीक का सेकंड है, पूनम का सेकंड है, सौरभ, प्रज्ञा, अमर, नीलेश, सबका कहना है सेकंड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जनता पार्टी के फाउंडर है, जनता पार्टी जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई, इसलिए इन्हें भारतीय जनता पार्टी का भी फाउंडर कहा जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ जो है वो पुलिस कस्टडी में हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और तब उसी पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई, जिसपे आगे चल के अटल बिहारी जी ने कहा कि ये डेथ नहीं मर्डर है, इन्हीं के नाम पे झारखंड की जो बिल्डिंग है उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात, याद रखिएगा। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम बताइए, द्रौपदी मुर्मू वहां के गवर्नर है, वेल सेड। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत शरण, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं,
विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर एज बिटवीन 10 to 18 ईयर। नॉर्मली बच्चों के लिए कोई अकाउंट नहीं होता, लेकिन कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए भी एक अकाउंट खोलने का फैसला लिया है जिसका नाम होगा भविष्य। ये सेविंग अकाउंट भविष्य नाम से खोला जाएगा ताकि बच्चों में सेविंग की हैबिट बनाई जा सके। ये कौन सा पेमेंट बैंक खोलेगा? तो आंसर यहाँ पे सी आया, बानी का, सौरभ का, प्रतीक का, पूनम का, अमर का, प्रज्ञा का, अक्षय का, कृतिका का। एवरीबडी सेइंग फिनो पेमेंट बैंक, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। पेमेंट बैंक ऑनलाइन बैंक होता है। नचिकेत मोर की कमिटी पे पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी उनकी, और फिनो पेमेंट यहाँ पे इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। इस समय टोटल 6 पेमेंट बैंक इंडिया में एक्टिव है, ठीक है। तो फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का फैसला लिया है 10 से 18 साल के बच्चों के लिए। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। इसकी ब्रांचेस नहीं होती क्योंकि ये ऑनलाइन पूरा वर्क करता है, ठीक है। पेमेंट बैंक लोन नहीं बांटते, पेमेंट बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द स्टेट और यूटी विच लॉन्च इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए इंतजार आपका नाम से सोशल मीडिया कैंपेन किसने स्टार्ट किया? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया था और आप सबको इसका आंसर पता है। आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। एमपी ने ऐसा किया है, मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका नाम से कैंपेन शुरू किया है ताकि जो टूरिस्ट है उन्हें यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन जो कि इस समय कार्यरत नहीं है, कार्यरत कौन है? आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है। और एमपी में इंदौर जो है फोर्थ टाइम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। एमपी के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाया जा रहा है जो कि एमपी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई करेगा। और एमपी में कान्हा, पेज, पन्ना, संजय और बांधवगढ़, माधव और आपका मंडल विहार, ये नेशनल पार्क आपके एमपी में है। विद स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस सीकिंग 75% रिजर्वेशन फॉर द लोकल यूथ इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अपने आगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देने में भी 75% का आरक्षण मिलेगा जो उस स्टेट के लोग हैं, ऐसा कौन से राज्य ने बोला है? मतलब पहले उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, फिर बची हुई सीट पे बाकी लोग भी उनके हिसाब से रिक्रूट किया जाएगा, बताइए। पानी, प्रतीक, सौरभ, प्रज्ञा, नीलेश, पूनम, एवरीबडी सिंह हरियाणा, ओके हरियाणा सबका कहना है, ठीक है भाई। आकाश का भी हरियाणा आंसर है, आकाश सिन्हा, ओके हरियाणा, एग्जैक्टली हरियाणा विल बी द करेक्ट आंसर। भैया देखो हरियाणा की कौन है सीएम? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कह दिया, साफ साफ कह दिया, हमारे राज्य में आपको नौकरी ही तो मिलेगी लेकिन पहले 75% और रिजर्वेशन दिया जाएगा हमारे यहाँ के यूथ को, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है इससे मिलता जुलता कहीं भी कुछ हुआ है? महाराष्ट्र याद आया आपको, महा जॉब पोर्टल शुरू किया गया है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जिसमें वो कहे तो है कि हमारे पोर्टल पे नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड सबके लिए जॉब है, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस है वो पहले किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र के लोगों को दिया जाएगा। तो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीडेड है। वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी किया, ये आप देख सकते हो, ये कौन है? ये मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। ये कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज चंडीगढ़, और यहाँ पे कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा के सुल्तान बड़े कलाकार है, हरियाणा के सुल्तान कलाकार है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलाकार से कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। लेकिन मुझे अभी तक किसी ने हरियाणा के गवर्नर का नाम नहीं बताया, अभी तक किसी ने भी बता दिया है, प्रज्ञा ने बताया, वेरी गुड प्रज्ञा। सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य इज गवर्नर ऑफ हरियाणा, वेरी गुड। वेयर इज हरियाणा इन इंडियाज मैप, ये भी देख लेते हैं भाई। तो हरियाणा भारत के नक्शे में कहां पर है? ध्यान से देखिएगा, जो मैं कलर कर रही हूँ हिस्सा, ये क्या है आपका? हरियाणा है। एक बार पूरा रिवाइज कर ले, हरियाणा के नीचे जस्ट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया? प्योर फॉर श्योर, एक हफ्ते का कैंपेन, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक डेयरी मिल्क के प्रमोशन के लिए प्योर फॉर श्योर। वहां के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? रघु शर्मा। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया? हिमाचल प्रदेश का नौदौन पुलिस स्टेशन भारत का नंबर वन पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश ने क्या किया? आज हमने क्या पढ़ा मध्य प्रदेश के बारे में? दो न्यूज पढ़ी, एक तो इंतजार आपका टूरिज्म कैंपेन एंड द सेकेंड थिंग सबसे बड़ा एशिया का सोलर पैनल एमपी में। एमपी में कहां पे? रीवा में। उड़ीसा ने क्या किया? उड़ीसा ब्लूइस नाम की एक टेक्नोलॉजी से अपने अपने राज्य की सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। तमिलनाडु ने क्या किया? जल्दी से बताओ, तमिलनाडु से रिलेटेड क्या न्यूज पढ़ी आपने?
तमिलनाडु के ऊपर सबसे ज्यादा डेट है, मतलब सबसे ज्यादा उधार किसके ऊपर है इंडिया में, तमिलनाडु के ऊपर है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, तो याद रख लेना भाई। और राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सो दिस इज राजस्थान, दिस इज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड दिस इज तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको सारा याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और सबकी डिटेलिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हरियाणा का बॉर्डर देखो एक तरफ किससे लगता है, ये दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये क्या है उत्तर प्रदेश है, और उधर की तरफ क्या है पंजाब। बहुत लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा में कॉन्फ्लिक्ट रहा क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे देखो जहाँ पे सर्कल बन भी गया वहां पे चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ को पंजाब चाहता था पूरी तरीके से उसका कैपिटल बने, हरियाणा चाहता था पूरी तरीके से उस पे उसका कैपिटल बने। क्या आपको पता चला, हिंट मिला कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? जब मैं बार बार, जब भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करती हूँ, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि इनको केंद्र शासित प्रदेश में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि ये विवादित क्षेत्र था, यहाँ की जो राज्य सरकार है वो कुछ खास काम कर नहीं पा रही थी, इनफैक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट का जरिया बना हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का राज रहता है, कोई राज्य सरकार नहीं रहती, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहां पर मॉनिटर कर सकती, सारी चीजों को सही करती है। चंडीगढ़ भी कॉन्फ्लिक्ट था बहुत लंबे समय तक, पंजाब में कितने सारे मूवमेंट हुए कि चंडीगढ़ को पूरी तरीके से उसका हिस्सा बना दिया, यही वजह है कि चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी भी घोषित कर दिया गया। तो ये यूनियन टेरिटरी भी है, साथ ही साथ में ये कैपिटल भी है इन दोनों राज्यों की, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, सीधे केंद्र का यहाँ पे राज्य है, इसलिए ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इंजेति श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच अथॉरिटी? इंजेति श्रीनिवास को कौन सी अथॉरिटी, कौन से प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए। एग्जैक्टली केवल दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर है, वरना किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होता है। पानी, सौरभ, प्रज्ञा, नीलेश, सबने आंसर किया, आंसर होगा IFSCA, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी का पहला इंडियन चेयरमैन जो चुना गया वो किसे चुना गया, इंजेति श्रीनिवास को चुना गया। याद रखिएगा इंडिया में पहला जो IFSCA का चुना गया है मतलब कि चेयरमैन पहला वो किसे चुना गया, इंजेति श्रीनिवास को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच विल डायरेक्टली सप्लाई पावर टू ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम ऑफ ट्रेन? कौन सा देश दुनिया में पहला बन गया जो सीधे ट्रेन के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली आपूर्ति करेगा, बताइए। एग्जैक्टली पानी, आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, एवरीबडी सिंग ऑप्शन नंबर 3, एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर होगा आपका इंडिया। इंडिया ने देखो, इंडिया कई मामलों में इतिहास रचा, एक तो इंडिया पहला देश बना जिसने इलेक्ट्रिक जोल में डबल डेकर ट्रेन चलाई, डबल डेकर बोले तो डबल एक के ऊपर एक कंटेनर वाली ट्रेन चलाया, वो भी इलेक्ट्रिकल जोन में, ठीक है, एक तो ये करने वाला भारत पहला देश बन गया। और दूसरे यहाँ पे न्यूज क्या आ रहा है कि ट्रेन के ही क्षेत्र में, रेलवे के ही क्षेत्र में भारत पहला देश बन गया। ओवरहेड का मतलब क्या है, जो इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिकल तार होते हैं डायरेक्ट उसे सोलर पैनल से सप्लाई देगा, पावर सप्लाई देगा सोलर पैनल से, कौन, इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले तो इंडियन डबल डेकर ट्रेन चलाने वाला जब पहला देश बना था, तो इस समय इसकी जो दूरी है इलेक्ट्रिकल जोन से इस डेकर की वो कितनी थी, 7.52 मीटर थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, 1.7 मेगावाट का पावर प्लांट है बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, और जिससे डायरेक्ट जो पावर सप्लाई की जाएगी इंडियन रेलवे को की जाएगी उसके ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को, ये आपको याद रखना है। इसके लिए इंडियन रेलवे ने जो एग्रीमेंट किया, जो मिलके जिसके साथ कोलैबोरेट करके किया, वो है आपका भेल, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर वो ये काम कर रहा है। इंडियन रेलवे का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन बनना 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वॉट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, बताइए। वेरी गुड बानी, भेल के, भेल 1964 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एमडी सीईओ नलिन सिंघल है। प्रज्ञा, 251 वेगन, ओके प्रज्ञा, 4 इंजन है शेष, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।
आंसर यहाँ पे होगा 117, 117वीं रैंक है इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ये आपकी जो रिपोर्ट का टाइटल है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड 19। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें 166 देशों की सूची तैयार की गई थी और इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। ठीक है, किसने टॉप किया है तो याद रखिएगा, स्वीडन ने टॉप किया है, सेकेंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे फिनलैंड है। इंडिया की रैंक कितनी है तो 117वीं इंडिया की रैंक है। वॉट इज इंडियाज रैंक, देखो फिर से एक रैंक आ गई, इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020, शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, संकट और आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा साक्ष्य में भारत की रैंक क्या है बताइए। कैंसर रिस्क में भारत की रैंक कितनी थी, कैंसर रिस्क में भारत की रैंक कितनी थी कि कैंसर रिस्क के लिए भारत कितना तैयार है। पिछला भी तो रिवाइज करके चल रहा है हम लोगों को, 31 थी, अच्छा इसमें 31 है, ओके इसमें आंसर आपका एग्जैक्टली 31 है। और इंफॉर्म रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें इंडिया की रैंक 31 है, मतलब कि अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिजास्टर की तो इंडिया इस रिस्क में आपका आता है 31st प्लेस पे, प्रज्ञा सिंह 8, 34th नंबर पे है, प्रज्ञा 8वें नंबर पे नहीं है, ठीक है 34वें नंबर पे आता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, 117वें नंबर पे आता है। और आपका इंफॉर्म रिपोर्ट में क्या है तो आपका इसमें आता है 31st नंबर पे, ठीक है याद रखिएगा, सारी इंडेक्स भी आपको याद रखनी है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई इंफॉर्म, ये जारी किया गया है UNOCHA के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर के द्वारा, जिसके सेक्रेटरी जनरल और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर है मार्क लोकॉक, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, Who will head 11 member committee to assess COVID-19 impact on human rights? मानवाधिकार पे COVID-19 का कितना प्रभाव पड़ा, इसके इसको स्टडी करने के लिए कमिटी बनाई गई है, 11 लोगों की कमिटी है, इसका हेड किसे चुना गया है बताइए। भी यहाँ पे आंसर आ रहा है, ओके ओके और लोग आंसर करिए, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए आपको करेक्ट है, KS रेड्डी यहाँ पे आंसर होगा, ये मिस्टर KS रेड्डी हैं, डॉक्टर KS रेड्डी जिन्हें चुना गया है इसको हेड करने के लिए। 11 लोगों का ग्रुप बनेगा जो देखेगा कि COVID-19 का कितना मतलब फर्क पड़ा मानवाधिकार पे, उन्हें घर पे रहने के लिए बोला गया, उन्हें सोसाइटी सेक्शन से अलग रहने के लिए बोला गया, लेबरर्स की नौकरी चली गई, ठीक है कितने लोग माइग्रेंट माइग्रेशन का शिकार हुए, तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन राइट के कहीं ना कहीं टारगेट करती है। तो ह्यूमन राइट पे कितना प्रभाव पड़ा COVID-19 की वजह से, इसको पूरी तरीके से स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाया गया 11 लोगों का, जिसको हेड कौन करेगा, डॉक्टर KS रेड्डी। SCL दास असम के तेल के कुएं के आग के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए बनाए गए हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन, भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन कौन सा है, फटाफट आप आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। एलिमेंट्स नाम का ऐप शुरू किया गया, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो, एलिमेंट्स नाम का ऐप किसने शुरू किया, इंडिया ने शुरू किया, जहां से आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है प्राइवेट ग्रुप चैट करते हो, वीडियो ग्रुप चैट आप कर सकते हो। इसको डेवलप किया गया है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, सुमेरु सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे डेवलप किया गया, वेंकैया नायडू ने इसे लॉन्च किया, एलिमेंट इस ऐप का नाम है। बताओ गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है, Who has authored the book Getting Competitive, A Practitioner's Guide for India? ये तो एकदम रट जाना चाहिए, ये न्यूज आपको एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर वाले सेशन में पढ़ा था। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है, पूनम का, बानी का। देखो काजू ईशुगुरु की नई बुक है क्लारा एंडरसन, मोनाशी सिन्हा रावल की है सैफरन स्वॉर्ड, प्रिया ठकराल कौन है, प्रिया ठकराल ने बुक नहीं लिखी है, इन्होंने एक ऐप बनाया है रैट पिकर्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे बचा आरसी भार्गवा, आरसी भार्गवा ने ये किताब लिखी गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ठीक है, अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये कोई राइटर नहीं है, ये आपके मारुति सुजुकी के चेयरमैन है, और ये बुक जो है वो पब्लिश की जा रही है हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, कौन लिखा है किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी जल्दी अब आंसर करिए, सेविंग द इंडियन सेवर ओवरड्राफ्ट ये बुक के लेखक कौन है।
रस्किन बॉन्ड ने लिखी है राउंड द माउंटेन, आरसी भार्गव ने लिखी गेटिंग कॉम्पिटेटिव, अमित आमिष त्रिपाठी होगा, घोष नहीं होगा, आमिष त्रिपाठी की न्यूएस्ट बुक है सुहेल देव। तो बचा कौन, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने लिखी है किताब ओवरड्राफ्ट। जब ये आए आरबीआई गवर्नर के रूप में तब इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। एक तो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम थी, इन्होंने कैसे सब कुछ संभाला। इन्होंने 9 R मतलब रिफ्यूज रीथिंक ये सब करके, आर से आपके 9 वर्ड है जो इन्होंने कहा कि इसको आपको यूज करना चाहिए अगर आप इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हो, या इससे आने से बचने के लिए आपको 9 R के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने ये यहाँ पे फंडा दिया था। तो इन्होंने ये सारी चीजों पे अपने एक्सपीरियंस पे किताब लिखी है ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। हार्पर कॉलिंस गेटिंग कॉम्पिटिटिव भी हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिश कर रही है, ओवरड्राफ्ट को भी हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिश कर रही है। वेटरन एक्टर एंड कॉमेडियन जगदीप पास्ट अवे ऑन जुलाई 8, ही एसेड द पॉपुलर रोल ऑफ सूरमा भोपाली इन विच फिल्म। बताइए सूरमा भोपाली का किरदार इन्होंने किस फिल्म में निभाया था। अंदाज अपना अपना में, 2 बीघा जमीन में, हम पंछी एक डाल के, या फिर शोले। एग्जैक्टली आइकॉनिक मूवी शोले में इन्होंने सूरमा भोपाली का रोल निभाया था। द ऑल इंडिया रेडियो प्लान टू ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज। अखिल भारतीय रेडियो ने किस भाषा में प्रथम समाचार पत्रिका कार्यक्रम को प्रसारित करने की योजना बनाई है। निशु भी आ चुके हैं यहाँ पे, आंसर्स लोगों के आ रहे हैं। एवरीबडी सेइंग ऑप्शन नंबर 5 संस्कृत। ओके ओके, और लोग आंसर करिए। एग्जैक्टली संस्कृत भाषा में एक प्रोग्राम आएगा, ठीक है, जो आपका सैटरडे और संडे को होगा, मतलब एक न्यूज आएगा और वो न्यूज आपका संस्कृत लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। साप्ताहिकी, संस्कृत साप्ताहिकी इसका नाम रहेगा, वेरी गुड। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक ऐसा शोरूम जो मैन्युफैक्चर करता है गाड़ियां, जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, ऐसी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने वाली एक एक शोरूम है लग्जरी राइड। और एग्जैक्टली सुखबीर सिंह जो कि सिंगर है, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लग्जरी राइड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। को फाउंडर और एमडी इसके कौन है, सुमित गर्ग है। इन्होंने अपने लग्जरी राइड शोरूम के प्रमोशन के लिए किसे चुना है, सुखबीर सिंह को, जो कि एक क्या है, सिंगर है, ठीक है, जो कि सिंगर है। मैम उत्तराखंड ने अपने रेलवे स्टेशन में संस्कृत भाषा करके उर्दू को हटा। हाँ प्रज्ञा, इसलिए जैसे कि किसी भी रेलवे स्टेशन में 3 लैंग्वेज में आपको दिखता है, जो वहां का रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड होता है, तो जैसे कि स्टेशन का नाम है, मान लो उत्तराखंड में स्टेशन है देहरादून। अब देहरादून जो लिखा होता है बोर्ड पे, वो 3 लैंग्वेज में लिखा होता है। अभी तक कितने मतलब कि रेलवे का नियम है कि 3 लैंग्वेज में लिखा होगा, एक होता है आपका हिंदी, एक होता है इंग्लिश, और एक होता है उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। देखो कहीं भी स्टेशन का जो बोर्ड होता है, जैसे देहरादून अभी तक इंग्लिश में लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा हुआ था देहरादून, और उर्दू में लिखा हुआ था, तो उर्दू को रिप्लेस कर दिया गया संस्कृत से। क्यों किया गया, समझना। तो रेलवे का नियम है कि किसी भी रेलवे स्टेशन का बोर्ड इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा, और उस स्टेट की जो सेकेंड लैंग्वेज है उस पर रहेगा, हिंदी के बाद। तो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, और उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है उर्दू, सेकेंड लैंग्वेज उर्दू आती है, तो इसीलिए थर्ड जगह पे उर्दू में लिखा था। फिर उत्तराखंड अलग हो गया, और उस उत्तराखंड की राज्य भाषा जो सेकेंड नंबर पे, वो संस्कृत है, इसीलिए उर्दू को रिप्लेस किया गया संस्कृत में। तो इंग्लिश हिंदी तो मैंडेटरी है, बाकी सेकंड लैंग्वेज आपका संस्कृत में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, और उर्दू में, क्योंकि यहाँ के सेकंड लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, ठीक है, याद रखिएगा। Who has won the Formula One season opening Australian Grand Prix? किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का जो ओपनिंग आपका सेशन हुआ COVID-19 के बाद, फॉर्मूला वन रेस, वो किसने जीता। पानी का डी है, सौरभ का डी है, पूनम का भी आंसर यहाँ पे 4 है। वोल्टेरी बोटास कौन से देश के हैं, वोल्टेरी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, वोल्टेरी बोटास कौन से देश के हैं बताइए। वोल्टेरी बोटास कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, बताओ जल्दी बताओ, और कौन सी गाड़ी से ये रेस करते हैं। लुइस हैमिल्टन को हराया, बिल्कुल करेक्ट। वोल्टेरी बोटास कौन सी कंट्री के और कौन सी गाड़ी में ये रेस करते हैं, कौन बताएगा मुझे।
ऐसे ही क्वेश्चन, एग्जैक्टली, वेरी गुड पूनम। पूनम का सबसे करेक्ट आंसर आया फिनलैंड। फिनलैंड के प्लेयर है, मर्सिडीज में ये रेस करते हैं और इन्होंने लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये किताब के लेखक कौन है? महावीर एक ऐसे सोल्जर जो कभी नहीं मरे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद है जसवंत सिंह रावत जो कि एक सैनिक है, जो आपके जब इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें ये लड़े थे और कहा जाता है कि आज भी इनकी आत्मा वहां पर है। अगर कोई सैनिक, ये सब कहानी आपने जरूर सुनेंगे, कोई सैनिक अगर गश्त लगाते हुए सो जाता है तो ये उसे थप्पड़ का एहसास होता है कि उसे वो उठा रहे हैं। इनके नाम का वहां पर मंदिर भी बना हुआ है। ये सब कहानियां सुनी है ना, उसी पे आधारित ही किताब है महावीर द सोल्जर हू नेवर डाइड। इसे दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एके श्री कुमार ने और रूपा श्री कुमार ने। रूपा श्री कुमार उनकी वाइफ है, एके श्री कुमार की। जो दोनों हस्बैंड वाइफ स्पाउस ने मिलकर लिखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, जसवंत सिंह। एग्जैक्टली, तो याद रखिएगा महावीर द सोल्जर हू नेवर डाइड, इसे एके श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने लिखा है। ये बुक पैट्रियोटिक स्टोरी है जसवंत सिंह के ऊपर, जो कि एक लेजेंडरी घरवाली सोल्जर थे जिन्होंने इंडो चाइना बैटल में जंग लड़ी थी, जो कि नूरानंग में हुआ था 1962 में। और रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक आपकी जो है वो पब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये, तो मैं जरूर पढ़ने वाली हूँ महावीर अ सोल्जर हो नेवर डाइड। आपने इनके बारे में जो कहानियां सुनी है, फैक्ट आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। द न्यू स्पीसीज ऑफ फैन थ्रोटेड लिजर्ड, ठीक है, सीतांधर वनेसिस वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? अ फैन थ्रोटेड छिपकली, जिसके यहाँ पे पंखे जैसा एक गर्दन पे है, सीतांधर थ्रोनेसिस की नई प्रजाति कौन से राज्य में पाई गई है? बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे आंसर आ रहा है मेघालय में पाई गई है, बानी का कहना है, प्रज्ञा का कहना है, बाकी लोग आई थिंक कंफ्यूज हैं, बट ये कर्नाटका में पाई गई है। ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तीन मेंबर की एक टीम थी जिसने एक नई प्रजाति ढूंढी है, फैन थ्रोटेड लिजर्ड। इसका देख लो किस तरीके से आप फैन टाइप का बना हुआ है, और ये आपका कर्नाटका में मिला है। ठीक है, कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है, याद रखिएगा। तो ये इकलौता क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों ने गलत दिया, बाकी कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कर्नाटका में ये छिपकली की प्रजाति पाई गई है। सो गाइज, यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का वीकली रिविजन ऑफ करेंट अफेयर, एंड आई होप आपको पूरा का पूरा करेंट अफेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट इसे शेयर कर देना, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबको भेज देना, देखे तो। ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स खरीदना है, यूपीएससी का, आईआईटी जेई का, एसएससी का, बैंक का, और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड एसपी शुभी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी कोर्स बना रखा है, इन्फ्लेशन, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, इन सब पे आप मेरा भी कोर्स खरीद सकते हो। फायदा यह है कि आप किसी भी का कोर्स खरीदोगे, आप अगर एक भी कोर्स अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो, तो आप अनअकैडमी के हर एक टीचर से पढ़ सकते हो, जो भी आपका फेवरेट टीचर है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अनअकैडमी का, और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज है। तो भाई फटाफट आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करना एसपी शुभी, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, शुभी सूर्या मेरी यूजर आईडी है, या फिर एस्पेरेंट अबोर्ड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे अभी जस्ट मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एस्पेरेंट्स अबोर्ड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे मैं इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप मुझे फेसबुक पे शुभी त्रिगनाथ नाम से सर्च करके वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये सारी जगह है जहां पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो अब यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।